असलम एव बी वेलकम अगेन टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैंगो मिल्क केक की और ये इतनी मज़े की रेसिपी होगी इन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इसके अलावा मुझे आज एक अनबॉक्सिंग फिर से करनी है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है आइन तक पहुँच करना है और पूरे दिन की मेरी जो रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी मैं यहाँ पर जो है ना लंच की तैयारी करती है आई मीन डिनर की तैयारी कर रही हूँ हम लोग वैसे लंच नहीं करते डिनर ही करते हैं और रूटीन मेरी बस यही वही जो वीक की मेरी रूटीन होती है सुबह पाँच बजे की उठी हुई हूँ मैं और इस टाइम जो मेरी हालत हुई होती है ना इतनी बुरी हुई होती है कि दिल नहीं कर रहा था मेरा किचन में खड़े होने का काम कर टाइम मेरे लिए ना कुकिंग करना सबसे मुश्किल होता है और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने आज पकाना क्या है तो मैं पहले डिसाइड ही नहीं करती हूँ तो सारा दिन बस यही सोचने पर गुजार देती हूँ मैं कि आज मैं क्या पकाऊँ और मुझे आज कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने चने निकाले चने बुन करके मैंने फीस किए होते हैं तो वाइट चनों का मैंने सोचा प्ला, प्लाव ही बना लेती हूँ वैसे भी घर में सारी ग्रॉसरी खत्म हुई हुई है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जा वेजिटेबल्स भी ले आऊँ और ग्रॉसरी के लिए पूरा एक टाइम निकालना पड़ता है स्पेशली आपको जाना पड़ता है सारे काम करने पड़ते हैं और मेरा बिल्कुल मोड नहीं था ग्रॉसेस वगैरह करने का भी तो जो परा हुआ था मैंने कहा बस इसी को बना लेती हूँ आहत को मैं स्कूल से लेकर आई थी तो आके बस मैंने डिनर रेडी किया और उसके बाद जो बच्चों को खाना वगैरह खिलाना था वो खिला दिया ताकि वो प्ले करते रहे और मैं अपने जो काम है वो उनको कर लूँ और अभी आ गई थी मैं बाहर आउट ऑफ फर्नीचर क्लीन करना था आज मुझे इसकी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी एवरी टू डेज़ या थ्री डेज़ के बाद मैं इसकी डस्टिंग ज़रूर करती आज इतनी ज़्यादा सनलाइट है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बाहर लेकिन मैं शुक्र कर रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम यहाँ पर चेंज हुआ है वरना कभी इतनी सर्दी हो जाती है कभी इतनी गर्मी हो जाती है कुछ समझ नहीं आती यहाँ पर वेदर की और मुझे जब ये फर्नीचर मैंने अपलोड किया था इसकी वीडियो लगाई थी मुझे सब ने इतने सारे कमेंट्स किए थे सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने आउटडोर फर्नीचर ऐसे ही रख दी है तो ये क्या ख़राब नहीं हो जाएगा बारिश से या सनलाइट से फेड नहीं हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये ख़राब नहीं होता इसका मटीरियल ही ऐसा होता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता ना बारिश से ख़राब होता है ना ही सन से फेड होता है बट ऑफ कोर्स आपको फर्नीचर की टेक केयर करनी पड़ती है चाहे आपके घर के अंदर का फर्नीचर है या आउटडोर का फर्नीचर है स्पेंडिंग आपकी हर जगह पे हुई होती है तो फिर आपको दिल नहीं करता कि आपका फ़र्नीचर ख़राब हो जाए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्नीचर यूज़ हो तो उसकी फिर प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होती है अच्छा ये वाटर प्रूफ हमने कवर ऑर्डर किया था अमेजोन से ये आउटडोर फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा है वाटर प्रूफ है इसमें जितनी भी बारिश हो जाए ना इसे सोफ़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता वेट नहीं होते तो इससे बहुत अच्छे से कवर भी रहता है तो हम लोगों ने जब बाई टाइम स्पेंड करना होता है ना तो बस ही हम तभी उसी टाइम इसको ओपन करते हैं और फिर उसके बाद में फिर से इसको कवर कर देती हूँ तो इस तरह से मैं जो हो ना अपने आउटर फर्नीचर की प्रोटेक्शन करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे इस पर बहुत क्वेश्चन किए थे तो बस यहाँ पर चनक का प्लाव भी रेडी हो गया था आज मैंने खाना जल्दी बना लिया था क्योंकि मुझे बनाना था मैंगो मिल्क केक और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और ये मैंगोज़ ना काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे और मैं सोच रही थी कहीं खराब ही ना हो जाए कोई खा भी नहीं रहा तो मैंने कहा चलो इसका जो है ना आज मिल्क केक बनाते हैं तो यहाँ पर ना मैंगोज़ मैंने लिए हैं उसको बस मैं रैंडम सा कट कर रही हूँ जैसे मर्जी आप इसको कट कर लें क्योंकि हमने इसकी प्योरी बनानी है तो मैंने आई थिंक फाइव मैंगोज़ कट किए थे मुझे इतना याद नहीं है मैंने कितने मैंगो करके लेकिन आई थिंक मैंने फाइव मैंगोस ही लिए थे तो यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है और ये जो है ना मैंने अपना ब्लेंडर लिया है उसके जग के अंदर मैंने सारी जो है ना मैंगो डाल दिए सो मैंने थोड़ा सा पानी बस ऐड करना है तो उसको बस अच्छे से ना ब्लेंड कर लेना उस पर कोई चीज़ नहीं चाहिए हमने बस इसकी प्यूरी बना लेनी है और एक डेचकी मैंने ली थी उसके अंदर मैंने सारी मैंगो प्यूरी डाल दी है लाइट सा इसको कुक कर लेना है और मैंने इसमें ना हाफ़ कप शुगर ऐड की थी हाफ़ कप शुगर बहुत होगी लेकिन अगर आप आग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं या कम भी डालना चाहें तो तो बस मैंने इसको थोड़ा तो सा पका लिया था शुगर को अच्छे से इस पर डिजोल्व कर लिया था मैंगो सिरप बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है इसमें मैंने मैंगो प्यूरी डाली है इसमें मैं डालूँगी होल मिल्क विप क्रीम एवेपोरेट मिल्क और साथ में कंडेंस मिल्क इंडेंस मिल्क मैंने इसे थ्री टू तो फोर टेबल स्पून ही डाले थे बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी सारी लिस्ट दे दूँगी और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मैंगो सिरप जो है ना रेडी हो जाएगा इसको हम लोग ने साइड पे रख देना है तो चले अब केक की तैयारी कर लेते केक को हमने बेक करना है खुद तो उसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है तो यहाँ पर मैंने वन कप लिया है उसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से स्ट्रेंड कर लिया है कोई भी स्ट्रेनर आप लेने इनको स्ट्रेन कर लें ताकि इसमें कोई लंप ना रहे और एक बॉल के अंदर मैं टू स्टिक्स जो है ना बटर की रूम टेम्परेचर बटर डाल रही हूँ इस तरह से ये रूम टेम्परेचर होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए और अब इसको मैं बीट कर लूँगी थ्री टू फोर मिनट इसको मैंने बीट करना है और इसमें ना इस टाइम पर मैंने शुगर ऐड की थी साथ ही शुगर डाल के उसको भी बीट कर लेना तो जो कि मुझसे स्किप हो गया ये पार्ट आपको दिखाना तो आप इस टाइम पे शुगर भी ऐड करके इसको साथ ही बीट कर लेना और अब जो है ना मैं इस पर रूम टेम्परेचर एड डाल रही हूँ फाइव एक्सिस में जाएंगे तो आपने जो है ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना एक एक करके एग में इसमें डाल रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करते जा रही हूँ ड्राई मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था इस टाइम पे मैं बहुत सारा डाल दूंगी इसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी वन थर्ड कप होल मिल्क ले लेना है इस पर मैं डालूँगी वन टी स्पून वनीला एसेंस जो वनीला एक्सट्रैक्ट आप ले लें वो इसमें लें और इसको मिक्स कर लिया था मैंने अब मैं जो है ना जो बैटर मैंने बना के रखा केक के लिए उस पर मैं इसको ऐड कर दूँगी और बस इसको जो है ना मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो केक का मिक्सचर है ना फुली रेडी हो जाए बड़े साइज का स्वायमिक ट्रे लिया है मैंने इसके अंदर सारा बटर लगा दिया था अच्छे से इसको बटर के साथ या ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है और सारा मिक्सचर मैंने केक का के मिक्सर इसके अंदर डाल दिया था अवन का ऑलरेडी मैंने 350 डिग्री टेम्परेचर पे भी हीट कर लिया था बेक करने के लिए मैं अवन का टेम्परेचर 170 डिग्री पे कर रही हूँ और 42 या 43 मिनट तक के लिए मैं इसको बेक करूँगी केक होना था बेक और अभी टाइम लगना था बेक होने में तो मैंने सोचा जल्दी से जाके अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की बहुत ज़बरदस्त चीज एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ई बाइक फॉर समर एंड देन फाइनली हमें वेबसाइट मिली के बी ओ वहाँ पर ये ई e बाइक हमें बहुत कम प्राइस में मिल रही थी ये बहुत अच्छी थी तो अभी रिसेंटली इन्होंने ये लॉन्च की है ई e बाइक बाकी जितने भी वेबसाइट्स पे हमने चेक किए थे काफ़ी ज़्यादा इनकी इसकी हाई प्राइसेस थी के बी वेबसाइट पे बहुत अच्छी प्राइसेस में बहुत कम प्राइसेस में ये ई e बाइक्स थी तो हमने वहीं से ऑर्डर कर ली और फाइनली आज हमें ये रिसीव हुई और इफ़ यू वॉन्ट टू बाई ई बैग फर्स्ट टाइम एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ई बाइक फॉर यूर सेल्फ देन दिस के बी ओ ई बैग इज़ बेस्ट चॉइस फॉर यू ये ई बाइक्स जो है ना बहुत कम्पैक्ट साइज की हैं, फोल्डिंग ई बाइस है आप इनको यूज करने के बाद फोल्ड करके आप कहीं भी, भी स्टोर कर सकते हैं अपने घर में आपकी बिल्कुल भी ज्यादा स्पेस नहीं लेंगी अगर आपका घर छोटा है या आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप कहीं भी, भी इसको रख सकते हैं ज़्यादा ही स्पेस नहीं लेती अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं दूर जाना है आपको और अपनी आप बाइक को साथ ले जाना चाहते हैं तो आप इसको अपने ट्रंक में भी रख सकते हैं और ये सिर्फ ट्वेंटी सेकेंड्स लगते हैं आपको इसको क्लोज करने में ओपन करने में तो आप इजीली इस इसको हर जगह आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं बाइक को यूज़ कैसे करना है इसको इंस्टॉल कैसे करना है सारी चीज़ों को ये एक साथ में एक जो इंस्ट्रक्शन बुक दी हुई है उसके ऊपर सारी डिटेल दी हुई है ये मोटर है इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए ये पैडल्स है जिसके ऊपर राइट और लेफ्ट का स्टिकर लगा हुआ है आपने वहीं से देख के बस वहीं पर इसको अटैच करना है राइट को राइट साइड पर और लेफ्ट को लेफ्ट साइड पर बाइक को इसम्बल करना बहुत ईजी है इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है तो आप ख़ुद भी इसको इसम्बल कर सकते हैं ईजीली घर में वैसे तो ये सारी इस्बल हुई आती है लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो जिसको बस आपने थोड़ा बहुत असम्बल करना है अटैच करना है सीट uh, इसकी बहुत एडजस्टेबल है आप अपने अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आप इसको उतना एडजस्ट कर लें ये ई बाइक बहुत लाइट वेट भी है विदाउट बैटरी इसका वेट सिर्फ वैसे फोर्टी एट एल बी है और फोल्ड करके आपने अगर इसकी बैटरी को रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसको लॉक लगा हुआ है इसके साथ टू कीज होती हैं जिसके साथ आप इसका लॉक ओपन करके इसकी बैटरी को आप रिमूव करके इसको आप फोल्ड करके आप अपने साथी पर भी लेके जा सकते हैं बहुत ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं

तो आपको जो अपने लिए अच्छा लगे आप वो कलर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं इस ई बाइक का फुल बॉडी फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का है तो इसलिए बहुत अच्छा इसका मटेरियल इसमें यूज़ हुआ हुआ ई बाइक के साथ फ्री एसेसरीज भी इंक्लूड है जिसमें एलॉय फ्रेंडर है रियर रैक है और फिफ्टीन एम एम रेंच है बहुत स्मूथ राइड है इस बाइक की और इसमें जो है ना मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है स्टॉप करने में और बाइक को कंट्रोल करने में बहुत इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं पे भी, भी आप इसको लेके जा सकते हैं इसकी राइडिंग का बहुत मजा आएगा आपको सेवन स्पीड शिफ्टर है माइलेज है इसकी आप आराम से इसको लेके कितनी दूर तक आप राइड ले सकते हैं इसकी ई बाइक को आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जा सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को क्रॉस कर सकते हैं इसे फोल्ड करके आप कहीं भी अपने साथ ट्रेवल पे भी लेके जा सकते हैं ई बाइक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ विद डिस्काउंट कोड अगर आप डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद डिस्काउंट भी मिल जाएगी और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ आपने जरूर शेयर करना है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना इसको अभी अपने लिए ऑर्डर कर लें तो अभी मैं आ गई थी और केक यहाँ पे बेक हो गया फोर्टी फाइव मिनट्स मुझे लगे थे केक को बेक करते हुए और मैं यहाँ पर टूथपिक के हमेशा चेक कर लेती पहले कि अंदर से ठीक से कुक हुआ है कि नहीं अगर टूथ पिक बिल्कुल ड्राई है देट मीन्स की बिल्कुल बेक हो चुका है दस से पंद्रह मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ ताकि अच्छे से कूल डाउन हो जाए उसके बाद भी मैं इसमें मैंगो सिरप ऐड करूँगी सॉरी मैं एप्पल सीप कह रही हूँ मैं ठंडा होने के बाद मैंने इसके अंदर फोक के साथ तीसरा ना होल कर दिए थे आप टूथपिक के साथ कर लें किसी भी स्टिक के साथ कर लें अच्छे से होल होने चाहिए ताकि मिल्क जो है अंदर तक जा सके दो से तीन घंटे के लिए हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए और इसमें जितना भी मैंगो सिरप है ना वो अंदर आ, केक के अंदर तक ऑब्जॉर्व हो सके और अब मैं यहाँ पे फ्रॉस्टिंग रेडी कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए मैंने विप क्रीम ली है उस पर कंडेंस मिल्क ऐड किया के है अच्छे से इसको बीट कर लूँगी इतना बीट करना कि ये विप क्रीम ऐड की तो बहुत थिक हो जाए और इस तरह से जो है ना ये फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाती है बहुत जल्दी बन जाती बहुत है बहुत ईजी है फ्रॉस्टिंग बनाना तो यहाँ पर केक भी रेडी है और उसमें जितना भी मिल्क था वो ऑब्जॉर्ब हो गया तो अब इसके ऊपर मैं सारी फ्रॉस्टिंग कर लूँगी बस ये फ्रॉस्टिंग की जो लेयर लगा देनी यहाँ पर जिस तरह से इसको डेकोरेट करना है वैसे इसको डेकोरेट कर लें मैंगो प्यूरी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा साइड पे रख ली थी निकाल के ताकि मैं इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकूं तो उसके साथ ही मैं इसको थोड़ा बहुत डेकोर कर रही हूँ मैंगो मिल्क पे एक बिल्कुल रेडी है आप जैसे भी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं मुझे जैसे लगा अच्छा मैंने वैसे इसको डेकोरेट कर दिया मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ था मैंने इसके टॉप पर रख दिया और आप इसको चाहे तीन से चार घंटे अगेन इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि और भी अच्छे से ठंडा हो जाए जितना ही ठंडा होगा उतना खाने का मज़ा आएगा दावत के लिए बहुत परफेक्ट डिश है अपनी अगर दावत के लिए कोई डिजर्ट बनाना है तो आप मैंगो मिल्क केक जरूर ट्राई करना इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट मिल्क केक की रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ भी आगे भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ उधर से आप देख लें कितना मॉइस्ट है और कितना ज़्यादा जूसी है हम लोगों ने आधा पहले से खा लिया था तो बाकी मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए भी कट करके आपको दिखा देती हूँ जरूर ये आपने ट्राई करनी है मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है मैंगो केक आहत यूजुअली वैसे इस तरह की चीज़ें खाता नहीं है उसको ज़्यादा चॉकलेट में चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन आज उसको मैंगो मिल्क केक काफ़ी अच्छा लगा था और उसने खाया भी था तो बस हम दोनों आ गए थे बाहर यहाँ पे प्ले करने के लिए दुआ सो गई थी तो मैं हाथ के साथ यहाँ पे प्ले कर रही थी बहुत टाइम बाद मैं प्ले करने आई थी बाहर मैंने कहा हाथ के साथ चल के तो ना कोई थोड़ी बहुत गेम प्ले कर लेते हैं शादी से पहले हम अपने भाई के साथ प्ले किया करती थी और एवरी डे हमारी रूटीन होती थी हम दोनों ने बाहर जाकर प्ले करना होता था आ, कोई ना कोई हम डिफरेंट गेम्स प्ले करते थे हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती थी या तो मैं वॉक कर लेती थी तो लेकिन अब तो मुझे कामों से फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं बाहर जाकर कोई प्ले कर लूँ या वॉक कर लूँ और बस तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत प्ले कर लेते हैं बहुत मजा आता है इस तरह से प्ले करने में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी खास एक्सरसाइज हो जाती है आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर इन चल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग पर अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़